जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, गोबर, सरसों खली और सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें तीनों को आप मिला लें। तालाब के किनारे कहीं भी गड्ढा बना करके मिलाने के उपरांत उसको पानी में घोल करके हल्का लिक्विड बना लें, और उस लिक्विड को, उस तरल पदार्थ को आप तालाब के चारों तरफ उसको आप छींट दें। जैसा इससे ये होगा कि जितनी भी गोबर में पोषक तत्व थे, सरसों खली में जो पोषक तत्व थे और सिंगल सुपर फॉस्फेट में जो फॉस्फोरस था, वो सभी, उनकी उपलब्धता तालाब में हर तरफ हो जाएगी। इस वजह से आपके तालाब का पानी का रंग आप देखेंगे सिर्फ 7 दिनों के अंदर में हरा हो जाएगा, और उसके 2-3 दिनों के अंदर में उसका रंग भूरा हो जाएगा। यह बतलाता है कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन, मछलियों का प्राकृतिक आहार अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, और यह मछलियाँ चाहे किसी भी स्टेज में रहें, चाहे वह जीरा रहें, फ्राई हो, फिंगरलिंग हो, बड़ी मछलियों हो, सभी के लिए यह भोजन का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि किस परिस्थिति में आपको तालाब में खाद उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जी हाँ, एक छोटे से परीक्षण के द्वारा आप इसके बारे में जान सकते हैं। जांच की विधि इस प्रकार है। एक खास परख नली ट्यूब में नमक डाला जाता है, जिसके कारण पानी का सैलिनिटी बढ़ जाता है, जिसमें जंतु प्लवक या पौधा प्लवक जितने भी होते हैं वो मर जाते हैं। नमक डालने के बाद परख नली को हिला दें ताकि नमक पानी में पूरी तरह घुल जाए। अब आप देख रहे हैं कि परख नली के अंदर कुछ हलचल हो रही है। गौर से देखने पर आप अंदर तैर रहे सफेद रंग के इन सूक्ष्म जंतु प्लवक को भी देख पाएंगे। दरअसल ये जंतु प्लवक मछलियों का प्राकृतिक आहार है। चूंकि मीठे पानी में ही ये प्लवक जीवित रह पाते हैं, इसलिए परख नली के जल में नमक घोल देने के बाद ये सूक्ष्म प्लवक मरकर नीचे जमा हो रहे हैं। इस परीक्षण के दौरान अगर जंतु प्लवक की संख्या 0.5 से 1 मिलीग्राम के आसपास हो, तो आप मान लें कि आपके तालाब में प्राकृतिक भोजन की मात्रा अच्छी है और आपको अतिरिक्त उर्वरक डालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास काफी छोटे आकार का तालाब है जिसमें पानी अधिक दिनों तक नहीं रहता, तो उसमें बड़ी मछली का उत्पादन आप भले ही ना कर सकते हो, पर उसी तालाब में फ्राई उत्पादन करके आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। आहार व्यवस्था के साथ साथ स्पॉन की सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। चूंकि 5 से 6 मिलीमीटर के स्पॉन को अन्य कीटों से खतरा रहता है, इसलिए तालाब में इन्हें पूरी देखरेख की आवश्यकता होगी। तालाब में जब जीरा डाला जाता है, उस जीरा डालने के तुरंत बाद कीड़ों की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। छोटी छोटी मछलियों को रस चूसक कीड़े ऊपर में रहते हैं, उन रस चूसक कीड़ों की वजह से जितने भी जीरा या स्पॉन हम लोग अपने तालाब में डालते हैं, बहुत भारी संख्या में वो उसका नुकसान पहुंचाते हैं, उसका रस चूसकर उस मछलियों को वो मार देते हैं। वैसे कीड़ों के निवारण हेतु किसान बंधु, आप सरसों तेल 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार कर सकते हैं। उसमें 2 से 3 किलोग्राम सर्फ आपको मिलाना है। उन दोनों को मिलाकर आप 1 हेक्टेयर के जल क्षेत्र में इसका व्यवहार करेंगे, तो जो कीड़े जो होते हैं, हवा में जब सांस लेने के लिए पानी की सतह के ऊपर आते हैं, तो उनके श्वास नली में तेल और साबुन फंस जाता है, जिस वजह से उनकी श्वास नली काम नहीं करती है और वो कीड़े मर जाते हैं। सरसों तेल के अलावा आप केरोसिन तेल और डीजल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीजल की मात्रा 75 लीटर 1 हेक्टेयर में लगेगा, और केरासन तेल की मात्रा 100 लीटर। इन दोनों तेल में आपको सर्फ मिलाना पड़ेगा। 2 से 3 किलोग्राम आप प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसमें सर्फ मिलाएं, और इसका पूरे तालाब में ऊपरी सतह पर आप इसको छिड़क दें। छिड़कने के बाद सारे जो कीड़े हैं वो 7-8 दिनों तक समाप्त हो जाएंगे, और इनसे मछलियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावे कम मात्रा में, बहुत कम डोज पर आप कीटनाशक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट का
ज़रूरत पड़ेगा। साधारणतः एक एकड़ में आप कोई भी कीटनाशक दवा 10 से 15 ml व्यवहार करने पर कीड़ों में की संख्या में कमी पाई जाती है।